सदारती कौंसल अलामा सैयद इफ्तखार हुसैन नकवी से चेयरमैन तहरीक वहदत इस्लामी परवेज साखी ने मुलाकात की है। मुलाकात में फलस्तीन की सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल अलामा इफ्तखार हुसैन नकवी का कहना है कि मसला फलस्तीन के हक के लिए मुस्लिम उम्मा को मुतहद होना पड़ेगा। आलम इस्लाम की जो क्यादत है, जो हुक्मरान है, आवाम तो तड़प रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं, गैर मुस्लिम भी मुजाहरे कर रहे हैं। अमरीका जैसे मुल्क में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं और अपनी हकूमत से कह रहे हैं कि और इन हालात में खुद हमारे इस्लामी ममालिक के सरबराह हैं जिन्होंने इसराइल की साथ दोस्ती की टीके बढ़ाई है और इसराइल की मुदाकत पर भी अपनी इकदाम करने के लिए।